जी डबल हो गई है मुझे लगता है। अच्छा लगता है जब आप मेहनत करते हैं और एक अच्छी फिल्म होती है और वो लोगों तक पहुंचती है और उनको अच्छा लगता है। ये पूरा जब साइकिल कंप्लीट होता है तो आपको बड़ी अच्छी सेटिस्फेक्शन होती है जो मुझे हो रही है। रिएक्शंस कैसे आए हैं अनएक्सपेक्टेड लोगों ने भी आपको शायद तारीफ और उठी आपकी? अनएक्सपेक्टेड लोगों ने तारीफ करी है? मतलब इनसे शायद एक्सपेक्टेशन नहीं थी? नहीं, मुझे तो सबसे एक्सपेक्टेशन थी और सबने तारीफ भी करी, मुझे अच्छा लगा। आप पूछ रहे बता रहे मुझे पता नहीं, नहीं मुझे नहीं, मेरा मैंने अपना नंबर चेंज किया था। अगर आपको पता तो आप मुझे बताएंगे, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। आप अगर आपको पता है तो आप मुझे बताएं, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक्स सर, थैंक्स कैटरीना। मुझे बहुत सुनाई नहीं दे रहा था। नहीं देखिए, मैं 10 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने थिएटर किया, फिर टीवी किया, फिर फिल्म किया, तो मैं अभी तक उतनी शिद्दत से काम कर रहा हूँ, उतनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। मैं जिस दिन प्रोड्यूसर बनूंगा उस दिन ये नंबर्स के बारे में सोचूंगा और फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी तक I don't think it's if it's a well-written script and if the actor making the cameo is a good actor, I don't think he'll come across as something that you don't expect and you're just concentrating on that, because I think best of the actors in Hollywood and heroes in Bollywood, they have done it and they only help in communicating the essence of the story. मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूँ। आई एडमायर रणवीर एज एन एक्टर। आई लव करण जौहर फिल्म एंड आई हैव लव द ट्रेलर, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए, दिस इज द आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। इफ गिवन अ चांस ऑन द फर्स्ट डे आई विल गो एंड वॉच द फिल्म। अरे अंदर ही आई लास्ट के There's a film that Dinesh Vijayan has directed called Rapta. It's with Kriti Sanon. It's going to release in the first quarter of next year. Then there's a film called Takadum. That's Homi's directing. It's me, Parineeti and Irfan in it. And then there are a couple of other films that will be officially announced. Sushant, before you leave, any words you want to say? मैं सबके लिए कहना चाहूँगा जिन्होंने फिल्म देखी है उनको अच्छी लगे। हमारा इंटेंशन यही था कि आप लोग अच्छी लगे और आप लोग इतनी अच्छी लगे, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि आगे भी हम इतने ही शिद्दत से काम करेंगे एंड आई होप दैट यू कम नेक्स्ट टाइम टू। थैंक यू। Expecting a lot of pretty people and a lot of handsome men in dressed really well, because it is the Style and Glamour Awards of Filmfare. All the people we have seen, it was the Glamour and Style Awards, so I wanted to look both. I wanted to look glamorous and stylish. And Gaurav Gupta is who I'm wearing. And I think he's a magician because he's created art, you know. It's such a beautiful dress, makes me feel really
sexy, if I may say so myself. So, really happy to be wearing what I am. सबसे ग्लैमरस एक्टर आई थिंक कि ऋतिक रोशन बहुत ही ग्लैमरस है एंड एन एक्ट्रेस आई थिंक दीपिका पादुकोण इज वेरी 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 गॉर्जियस शी इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल आई थिंक इवन ऐश्वर्या राय इज वेरी वेरी ग्लैमरस तो आई थिंक वी आर बोथ थैंक यू I heard the ad. Industry comes in. So yeah, the top notch and the best style and good looking people. Anything you want to share about what you're wearing? I'm trying monotone, all green. For the first time, my stylist Shalina has put this together. And yeah, I don't know, you guys have tell me anything about what I'm wearing today. You should tell me, I don't like to praise my own style. And if at all you guys like it, it's all thanks to my team. And yeah. क्रिकेट मैच क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप यहाँ फैशन के लिए हैं आप पता नहीं मेरे को एक्चुअली हम लोग यहाँ पे फिल्मफेयर के फैशन नाइट सेलिब्रेट करने आए हैं फैशन नाइट सेलिब्रेट करने आए हैं तो एक्साइटेड है अगर इफ यू थिंक वर्दी ऑफ एन अवार्ड आई बी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड हाँ जी इधर है मुश्किल यस वेरी एक्साइटेड टू द रिलीज ऑफ इधर है मुश्किल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल स्टोरी लव स्टोरी दैट करण इज मेड एंड या करण जौहर लाइक नेवर बिफोर अभी नहीं पता चला आगे भी कैमियो क्या क्या आप भी कैमियो करने वाले हैं वो नहीं नहीं उसके पिक्चर की शूटिंग हो गई एक साल पहले आपको कोई मौका नहीं है कैमियो करने का किस पे किसमें वेल सी आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं एज एन एक्टर एज एज समबडी हु यू नो इज एन एक्टिव एक्टर एंड पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री आई फील इट्स नॉट फेयर टू अ फिल्म मेकर क्योंकि अगर लोगों को पता हो पिक्चरें कैसी बनती हैं ये पिक्चर एक साल पहले बनी थी तब जो पॉलिटिकल सिनेरियो था बहुत अलग था मैंने खुद यू नो जिस एक्टर की बात हो रही है उनके साथ काम किया है वो पिक्चर इसी साल रिलीज हुई है सो आई फील इट्स नॉट फेयर टू अ फिल्म मेकर हु इज मेकिंग अ लव स्टोरी व्हिच हैज नथिंग टू डू विद द पॉलिटिकल सिनेरियो एंड ऑल्सो दैट वी आर नॉट स्टॉपिंग एनी अदर टाइज विद दैट कंट्री बट ओनली मूवीज सो आई फील एज पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी दैट आई होप वी हैव अ वंडरफुल रिलीज एंड इट्स अ वंडरफुल स्टोरी पीपल गेट टू सी मेड बाय मिस्टर करण जौहर Do you think cameos are big stars?
I think not at all. Yeah, it's a lot of fun if a great filmmaker like Karan Johar calls you for a scene, and you know, even if you have one line, you know he'll present you nicely. It adds to their scene. It can sometimes be really funny. It can sometimes be really emotional. It can just be a song that you come in. I think it depends among friends. It's a lot of entertainment value, and I don't think it's going to divert anybody's attention by just one scene. Yes, you can. You can ask me. I've never asked you. Thank you so much. Will you see Karan in the film? Haan ji, zarur, zarur. Karan ji ke saath baatein karenge. Abhi we'll announce it once we decide. Abhi to main filhal shooting kar raha hu, busy hu. I think in 2 months we'll shoot a Coffee with Karan episode. Haan ji, Jacqueline saath shoot kar rahe hain. Action film hai hamari. भाई अभी बताना बहुत जल्दी है, अभी तक सिर्फ 50% खत्म हुई है शूटिंग. अगले साल समर में रिलीज होगी. लॉट ऑफ एक्शन, लॉट ऑफ ह्यूमर, एंड टाइटल नहीं है हमारे पास अभी तक, तो वी आर स्टिल वेटिंग टू अनाउंस द टाइटल. वंस वी गेट द करेक्ट टाइटल वी डेफिनेटली अनाउंस. ये यारों की बारात करके भी एक शो आ रहा है दोस्तों का, रितेश और साजिद खान. हाँ जी, मैंने सुना है. उसमें भी कुछ आपका ऐसा है? अभी तक तो नहीं है, अभी मैंने सुना है उसके बारे में. मैंने सुना है उसके बारे में, अगर डेफिनेटली मौका मिले तो जाएंगे. थैंक यू गाइस. कुछ अलग किया मैंने. हाँ, कुछ तोता कलर मिल गया सर, हरियाली, आपके गो ग्रीन मान सकता है ना सबकी. आप भी एक ही अगले एक ही कलर पहन के आए, सफेद काला नहीं, काला. इतने शर्मा क्यों रहे हैं? थैंक यू सो मच. लव यू, गुड इवनिंग. बस 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 रुकिए.